ये इसका प्रतीक्षालय जो रूम है, जो वेटिंग हॉल है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पाथरडी बाजार का आपको बोर्ड दिखाई मिल रही है, उस साइड से भी एक लाइन है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई फिलहाल मैं हूँ पाथरडी स्टेशन पे। जी हाँ, अभी मैं हूँ पाथरडी स्टेशन पे, बट आसपास का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई स्टेशन है। और एक्चुअली ये स्टेशन नहीं है, इसको आप जंक्शन बोल सकते हो। जी हाँ, पाथरडी जंक्शन इसका नाम है। बट आसपास देखकर आपको ना ही यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, बस एक जो वेटिंग हॉल है वो वेटिंग हॉल दिया। वेटिंग हॉल भी मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ख़त्म टाइप का वेटिंग हॉल है। मतलब अगर सरकार चाहेंगे तो इसको डेवलप कर सकते हैं, बट पता नहीं क्यों डेवलप नहीं करी है। फिलहाल आप मेरे पीछे लाइन देख पा रहे हैं, बहुत जगहों का कनेक्शन यहाँ से होती है, जो पाथरडी स्टेशन है यहाँ से, क्योंकि एक जंक्शन है जिसमें मैंने कहा। तो बहुत जगह, अगर आप बंगाल जाओगे फिर भी, अगर आप झारखंड में कहीं भी जा रहे हो फिर भी, पाथरडी स्टेशन बहुत जगहों को कनेक्ट करती है, बट यहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं बनाया गया। चलिए मैं आपको बैक कैमरा थोड़ा दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आपको आसपास का क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पाथरडी बाजार का आपको बोर्ड दिखाई मिल रही है और ये है इसका रेलवे लाइन्स, चारों ओर देख पा रहे हो। अब मैं चारों ओर कैमरा आपको घुमा के दिखा दे रहा हूँ, कहीं भी आपको स्टेशन नजर नहीं आएगी, मतलब प्लेटफॉर्म जो है रुकने का वो कहीं नहीं नजर आएगी। सामने आपको जो दिख रही है वेटिंग हॉल है, देख पा रहे हैं प्रतीक्षालय लिखा हुआ है, और वहाँ भी मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा अंदर क्या सीन है। और ये आसपास का नज़ारा देख पा रहे हैं, कुछ कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म जो है कहीं भी बिल्कुल नहीं है। प्लस साथ ही साथ यहाँ टिकट काउंटर भी मुझे कहीं शो नहीं हो रही है। वहाँ जो देख पा रहे हैं आप, गाड़ी वगैरह पार हो रही है, वो है मेन रोड, जो कि सिंदरी धर्माद का जो मेन रोड है वो। और यहाँ से देखिए इधर अंदर आना पड़ता है तब आपको ये स्टेशन मिलती है। यहाँ बहुत सारी ट्रेन रुकती है, प्लस ट्रेन का क्या होती है, यहाँ पर इंजन वगैरह भी चेंज होता है। मतलब यहाँ तक आती है धनबाद से, फिर यहाँ से इंजन चेंज होकर फिर दूसरे रूट से यहाँ से ले जाती है, और जिस कारण आदमी यहाँ पर उतरते हैं चढ़ते हैं, मतलब ट्रेन पहले रुकती थी, अभी तो जो भी स्वर्णरेखा, जो भी हम लोग टाटा के लिए जो भी ट्रेन खुली है वो तो बिल्कुल रुकती नहीं है, और सब यहीं से पार हो जाती है। मेंटेनेंस वगैरह का काम तो फिलहाल सही है, चल रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं जो रेलवे लाइन है वहाँ पर, और चलो आगे तरफ चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल कुछ भी नहीं, मतलब कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रही, सारे चारों और आपको सिर्फ वही रेल पटरी दिखाई मिलेगी। पहले तो चलिए ट्रेन वगैरह रुकती भी थी जो कि पैसेंजर ट्रेन है, बट अभी एक भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ से रुकती नहीं है। भले ही पार होती है बट रुकती नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पर होती है मालगाड़ी, क्योंकि यहाँ पर डंपिंग लोडिंग का काम जो है वो होता है। तो आगे जैसे हमने आपको दिखाया मैंने इसके पहले, बहुत सारे यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी है, तो बस वही लोडिंग वगैरह का और डंपिंग वगैरह का यहाँ पर काम होता है, बाकी पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं है इतनी बड़ी जंक्शन होने के बाद भी। आप ये रेल का पटरी वगैरह भी देख पा रहे हैं, मतलब उधर वाला पटरी शायद आई होप सही है, इधर वाला पटरी का आप हाल देख पा रहे हैं पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। देख पा रहे घास वगैरह उग चुकी है, मतलब ये निशानी है कि ज़्यादा इसमें ट्रेन वगैरह नहीं चल रही है। देखिए ये आप देख के पता चलेगा, अगर ट्रेन वगैरह चलती है तो ये चीज़ एकदम पूरी प्लेन रहती है, बट अभी बिल्कुल प्लेन नहीं है। ये पूरा देख पा रहे हैं पूरा एकदम खरखस टाइप का, प्लस साथ ही साथ देख पा रहे हैं यहाँ जंग भी लग गई है। मतलब ये यहाँ पर इस लाइन में तो खासकर अभी ट्रेन वगैरह नहीं चल रही है, उधर का लाइन में चलेगी। तो चलिए उधर जाके देखते हैं उधर का लाइन में कैसा है। इधर का ये पटरी भी देखिए, ये पटरी का भी सेम हाल है, इसमें भी कभी भी हमको नहीं लग रहा अब जब ट्रेन इसमें आ रही है। पहले तो इतनी पटरी थी, मतलब सारे पटरी जो है पटरी है सिर्फ, बट बेकार की है। ये जो लाइन है ये लाइन थोड़ी मुझे सही लग रही है, देख पा रहे हैं ये जो लाइन है ये लाइन थोड़ी बहुत सही है, बट ये लाइन तो बिल्कुल ही एकदम ख़राब हो चुकी है। ख़राब नहीं हो मतलब इसमें ट्रेन आना जाना नहीं होती है, बाकी सब लाइन में तो ठीक ट्रेन आना जाना हो रही है। यहाँ देखिए फिलहाल जो इंजन है वो इंजन पार हो रही है, देख पा रहे अब उधर बहुत सारा ट्रेन खड़ी है, उस साइड से ये आ रही है, जस्ट इसको क्रॉस करके जा रही है। देखिए यहाँ पर है जो इंजन रुक गई है, एक्चुअली इसका मेन काम है जो भी वर्कर है, देख पा रहे यहाँ पर जो वर्कर वगैरह बैठे हुए हैं इधर उधर ले जाने के लिए, मतलब कहीं भी पटरी पर काम हो रही है तो बस इसी से आना जाना हो रही है, ऐसा देख के लग रही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, चढ़ते हैं वहाँ पर, चलिए चढ़ के देखते हैं, शायद गार्ड तो नहीं होगी आई होप, चढ़ के देखते हैं वहाँ पर। चलिए देखिए इसको छोड़ दिया गया चढ़ने का। यहाँ पर देखिए आपको दो लाइन डिवाइड होते दिखाई मिल रही है, एक इधर वाला लाइन है और एक इधर वाला लाइन है, दोनों का रूट अलग अलग चल जाएगा। इधर वाला से आप जाइएगा तो सुदामडी वगैरह चल जाएगा बंगाल वाला लाइन, और ये लाइन यहाँ से चल जाती है इसका अलग, झारखंड में आप घूमिएगा कुछ अलग लाइन जाती है, इसका लाइन मुझे पता नहीं बट ये लाइन मुझे पता है, ये जाते जाती है सुदामडी वगैरह वही लाइन है। चलिए अभी हम लोग रेल पटरी पर चल रहे हैं, देख पा रहे कितनी अच्छी तरह, इसको चलने के लिए आपको थोड़ा बैलेंस सीखना पड़ता है, हर किसी से ये चीज़ नहीं होगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक आप संजय दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आप नहीं चल पाओगे, देख रहे हैं कितनी आसानी से मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। सो चलिए अब चलते आगे और दिखाता हूँ मैं आपको जो प्रतीक्षालय है,
किस टाइप का वेटिंग हॉल है, देखा जाएगा वहाँ पर क्या क्या सुविधा है सारी चीज़। तो अगर आप भी पाथरडीह स्टेशन आना चाहते हो, फिलहाल अभी तो आके फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी कोई भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ रुक नहीं रही है, किसी भी पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। इस लाइन का एक फेमस ट्रेन था स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस, जो कि आपको सीधे खुलती थी धनबाद से और आपको ले जाती है टाटा। तो कुछ दिन लॉकडाउन की वजह से वो ट्रेन बिल्कुल बंद रही और अभी वापस से खुली है, बट उसका स्टॉपेज ये एक पाथरडीह था, एक सुदामडीह था। तो ये जो छोटा मोटा स्टेशन था उसका स्टॉपेज बिल्कुल अभी उस जगह पे नहीं है, मतलब वो धनबाद से खुल रही है, सीधे आ रही है प्रधानघंटा, फिर सिंदरी बी है जो उसका सीधे चल जा रही है आदरा। मतलब सुदामडीह, पाथरडीह ये सब स्टेशन को बिल्कुल ही कवर नहीं कर रही है, मतलब आ रही है, कुछ अलग रूट हो गया उसका, पहले का कुछ अलग रूट था, अभी कुछ अलग रूट है, जिस कारण यहाँ पैसेंजर का संख्या बहुत बड़ी कम हो गई, बहुत मात्रा में कम हो गई है। और पहले एक्चुअली वही ट्रेन के लिए लोग यहाँ पर चढ़ते भी थे और यहाँ पर बहुत कोई उतरते भी थे, क्योंकि सुदामडीह में क्या होती है ना, अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो सुदामडीह में आपको ऑटो वगैरह का थोड़ी बहुत झमेला होती थी, जिस कारण पाथरडीह में हमेशा मेन, जैसे मना था मेन रोड है वो झरिया धनबाद का, तो हमेशा वहाँ पर ऑटो आपको अवेलेबल मिलती है, तो जिस कारण सबको ज़्यादातर यहीं पर उतरते थे। देखिए उस साइड से भी एक लाइन है, जो कि हम लोग सोचे जब लास्ट यही लाइन थे वहाँ तक हम लोग गए थे, बस देख पा रहे उस साइड भी एक मालगाड़ी पार हो रही है, पता नहीं वो लाइन कहाँ जाकर मिलती है, मतलब बहुत सारा लाइन आप देख पा रहे हो, वहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक लाइन जा रही है, मतलब कितनी बड़ी आप देख पा रहे इसकी जंक्शन है। बट वही बात है, जो मेन इसका प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म एक भी नहीं है। ये इसका प्रतीक्षालय जो रूम है, जो वेटिंग हॉल है, मैं बता रहा हूँ आपको, और अंदर देख पा रहे हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुए थे, देख पा रहे कितनी ज़्यादा कचरा, मतलब मैं अंदर घुसने का मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अभी तक। देखिए चार्ट वगैरह लगा हुआ था, सब कुछ, मतलब सब कुछ था, देख पा रही है जो लिखा हुआ है, भोजोडी, सांतालडी, आदरा, आनाड़ा, पुरुलिया, मतलब सब चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रेन था, जितना भी ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है आप शायद पढ़ पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, यहाँ पर सारे कुछ लिखा हुआ, सारे कुछ रेट लिखा हुआ था, देख पा रहे, मतलब किसी ने आसपास के जितने भी लोग हैं पूरी इसको, मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसको पूरी ख़राब कर रख दिया है, देख पा रहे हैं। बस मैं दिखाता हूँ, यह साइड में इसका वॉशरूम वगैरह भी है, देख पा रहे हैं, साइड में वॉशरूम वगैरह भी थी जो कि पूरी तरह तोड़ फोड़ गई है, मतलब वही बात है, जो भी चीज़ था सारे कुछ पहले ठीक था, अभी सब चीज़ का एकदम ख़त्म हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सो यही तो कुछ जो कि एक्सप्लोर करने हम लोग आए थे, और आपने भी मेरे साथ एक्सप्लोर के लिया कि जो पाथरडीह हमारा स्टेशन है, पाथरडीह जंक्शन है, वो का हालत कैसी हो चुकी है अभी। ऐसा हालत होने का मेन रीज़न नहीं है पैसेंजर ट्रेन एक भी ना चलना, अगर पैसेंजर ट्रेन चलती है तो पैसेंजर के लिए बहुत कुछ मतलब सुविधा जो बनाई भी जाती है, जैसे कि पहले सुविधा आपने देखा था, बट अभी पैसेंजर ना होने के कारण, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने के कारण कोई भी पैसेंजर चढ़ते या उतरते नहीं है, जिस कारण अभी इसका कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं कर रहे, और अभी सिर्फ वही है मालगाड़ी का चलना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देख पा रहे एक मंदिर भी है और इधर एक गुरुद्वारा भी है, और वो जो मेन रोड है जो मैंने दिखाया। सो चलिए, जैसे कि आपने देख लिया सब कुछ, और यहाँ पर काम वही होती है, लोडिंग अनलोडिंग का मैंने बताया, बस लोडिंग अनलोडिंग होती रहेगी, हम लोग निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। आई होप आपको ब्लॉग अच्छी लगी, कि ब्लॉग अच्छी लगी तो क्या करना, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को फटाफट से देख पाओ और उसको तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।